शहर में कोरोना के चलते लॉकडाउन लागू किया गया था। इस वजह से शिक्षण प्रणाली पूरी तरह बंद हो गई है। अब तो ऑनलाइन पर भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मगर शहर में एक ऐसा मामला भी सामने आया, एक प्राध्यापक को कोरोना का संक्रमण होने से उसने अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है। शहर के बिहाड़े नामक प्राध्यापक जो वैनगंगा कॉलेज में पढ़ाते थे, उनके पिताजी को कोरोना हुआ था, उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। कोविड नियमों के अनुसार बिहाड़े परिवार को 15 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ा। इसी दौरान कॉलेज की ओर से कॉलेज में आने के लिए उन पर दबाव डाला गया। कोरोना की परिस्थिति से बिहाड़े ने संस्था के अध्यक्ष को अवगत कराया। इसके बावजूद ये हो रहा था, संक्रमण ना बढ़े इसीलिए बिहाड़े घर से नहीं निकल रहे थे। इसी का नतीजा ये हुआ कि उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है। अब बिहाड़े परिवार न्याय मांग रहा है। पिछले महीने में सितंबर में 11 तारीख को मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब हुई। मैंने 13 तारीख को उनका टेस्ट कराया कोरोना का। उनकी टेस्ट जब आ रही थी उस दौरान मैं और मेरे घर वाले, हम लोगों ने घर में रहना उचित समझा, ये डॉक्टर लोग का भी मांग कहना था। और उसके बाद जब पिताजी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो मैं उनको हॉस्पिटलाइज कराया, उनकी ट्रीटमेंट चालू थी। और हम लोग डर गए थे कि अभी पिताजी 68 ईयर्स ओल्ड है, क्या होता है, क्योंकि इसके पहले की किससे कहानियाँ सुनकर वो जहन में आ रहा था। उसी समय कॉलेज को भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरे घर में इस तरीके से पॉजिटिव कोई आया है, मेरे फादर पॉजिटिव आए हैं। तो कॉलेज ने मुझे इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया। मैंने उनको मना कर दिया कि आज फादर को हुआ है, मैंने उनको सारी हैंडलिंग की है, शायद मुझे भी हो सकता है, मेरे वजह से लोगों को हो सकता है। तो अचानक 15 तारीख को मुझे एक स्पीड पोस्ट से मेरे घर पर लेटर भेजकर उन्होंने मुझे जॉब से टर्मिनेट कर दिया। हालांकि वो ये कर नहीं सकते, किसी प्राइवेट जॉब में जो प्रिंसिपल पोस्ट है प्राइवेट कॉलेज में भी, उसको भी यूजीसी की यूनिवर्सिटी का जो एक प्रोसीजर है वो फॉलो करना ज़रूरी है।